नाम नहीं ले रही हैं। बेमौसम बारिश के चलते उनका हाल बेहाल है। धान बेचकर कुछ पैसे हासिल होते थे, लेकिन इस बार कई कारणों के चलते धान खरीदी भी बाधित हुई है। जैसे टोकन के नाम पर और कहीं बोरा के नाम पर धान खरीदी बाधित हुई है, वहीं धान खरीदी के नियमों में बार बार फेरबदल हुआ है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हुई है। भाजपा किसान मोर्चा ने इन समस्याओं को उठाया है और किसानों की धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और निर्धारित समय सीमा को 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। इसलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से कि धान खरीदी का अनुयास बढ़ाया जाए, जो अभी 15 तारीख का है वो 30 फरवरी तक कर दे। धान खरीदी की जो म्याद राज्य सरकार द्वारा 15 फरवरी तक निर्धारित की गई है, उसे आगे बढ़ाया जाए। इसी संदर्भ में आज हमारे रायपुर जिला भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूनम चंद्राकर जी के नेतृत्व में हम सब कलेक्ट्रेट में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं कि धान खरीदी की जो तिथि है निर्धारित है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने